तो जी हाँ भाइयों और बहनों, आपका फिर से स्वागत है। तो आज जैसे कि आप देख सकते हो, हम फिर से ऑफिस में खड़े हुए हैं और चल रहे हैं भाई, खड़े तो नहीं हुए, वॉक कर रहे हैं इधर उधर। तो आप खिड़की से व्यू देख सकते हो भाई, क्या ज़बरदस्त व्यू है हमारी सिटी का। लॉस सैंटोस का बड़े बड़े बिल्डिंग हैं और पैसा इधर उधर गिरा पड़ा हुआ है, तिजोरी भी पीछे है मेरे। तो चलिए, आपको तो आइडिया लग ही गया होगा कि हम व्हीकल सोर्स करने वाले हैं। तो चलिए व्हीकल सोर्स करते हैं और सीईओ बनते हैं भाई। सीईओ बन चुके हैं, व्हीकल सोर्स हो गई कंफर्म। टॉप रेंज की गाड़ी है FMJ, कैच मी। क्या भाई, क्या प्लेट है भाई, कैच मी। ये तो ऐसे बंदे आ गए कि भाई पम्मी भाई अपने टेजर एक्ट में गाड़ी बगा रहे और मुझे कह रहा है भाई तू अपनी BMW में मुझे कैच कर। एक काम करता हूँ, इस बारी मैं बाइक पे चलूँगा भाई। मैंने ये बाइक 85,000 की ली थी, कोई हाई सुपर बाइक नहीं है कि भाई थोड़ी फास्ट स्लो बाइक होगी, पता नहीं। मैंने अभी पहली बारी आपके सामने मैं राइड करने जा रहा हूँ। ड्राइव तो नहीं होती, राइड होती है। राइड करने जा रहा हूँ मैं पहली बारी अपनी बाइक। तो वो ये हाइड्रा किसका है ऊपर, वो रही सामने खड़ी हमारी बाइक स्टील द FMJ। भाई FMJ है कहाँ पे? अच्छा ये मूव हो रही है गाड़ी मूव हो रही है। ये रही हमारी बाइक, हम गाड़ी अपनी बाइक पे बैठ चुके हैं। अबे सही चला यार, क्या कर रहा है पीछे। ओहो, पहले मैंने कभी ऐसे बाइक नहीं चलाई वैसे GTA में। मैं और ज़्यादातर मैं गाड़ियों में ही घूमता हूँ। बड़े बंदे हैं भाई, हम क्या करें भाई, पैसे की कमी है नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं गैरेज में। तो चलो एक और गाड़ी हम, अबे ठोकेगा क्या, एक और गाड़ी हम स्टील करके अपने गैरेज में लेके आएंगे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है भाइयों? अभी इधर से लेफ्ट होना था। और भाइयों आपको मेरी गन रनिंग की वीडियोस कैसे लग रही हैं ये मुझे बताओ। और ये चलो उसको छोड़ो, हमने ये गाड़ी देख ली है। तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, कहाँ पे है भाई गाड़ी? काम करते हैं, इधर से घर में घुस जाता हूँ। तो गाइज आपको मैं ये कह दूँ कि हितेश भाई थोड़ा बीमार थे, तो और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आप अपने व्यूअर्स को, जो भी हमारी ऑडियंस है, जो उनकी भी ऑडियंस है, तो उन्हें बता दें कि भाई ये बीमार थे थोड़ा। तो अब उनकी रेगुलर वीडियोस आएंगी सून, तो भाई हमें भी वॉच करना मत भूलिएगा, ये ना हो कि सारी ऑडियंस उधर चली जाए। तो चलो चलते हैं, हमने गाड़ी उठा ली, सरप्राइजिंगली कोई बंदे नहीं आए मारने के लिए हमें। FMJ गाड़ी है भाई, कभी मैंने ये गाड़ी चलाई भी नहीं। ये क्या है, स्टे अबव 56 माइल्स पर आवर अंटिल द बॉम्ब इज डीआर्म्ड। अच्छा स्टे अबव है, तो अबव की स्पीड हमें रखनी पड़ेगी, हमें गाड़ी इधर उधर भगानी पड़ेगी 1.5 मिनट तक, ताकि इसमें से जो बॉम्ब है इधर लगा हुआ है, कोई स्पीड बॉम्ब लगा हुआ, जैसे वो बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं लगता ब्रेक मार ली और भाई बॉम्ब फट गया, वैसे ही इसमें भी लगा हुआ है। तो 1.5 मिनट के लिए हमें गाड़ी को भगाना पड़ेगा इधर उधर। तो ये इस सिचुएशन में ये बेटर है कि भाई आप मोटरवे पर चले जाओ और गाड़ी को कहीं दूर ले जाओ, या भगाओ, या रूटिंग मतलब यू टर्न, ऐसे सर्कल में लूप में घूमते रहो। तो मैं भी यही करूँगा भाई, अपने मैं वेयर हाउस के तरफ जाऊँगा। मैं मेरा वेयर हाउस है कहाँ में, मैंने तो डाला भी नहीं हुआ। एक मिनट गाड़ी रोक दूँ, फट ना जाए, फटाफट मैं डाल देता हूँ वेयर हाउस का रास्ता। तो ये रहा वेयर हाउस का रास्ता, हम चलते हैं और इधर से लेफ्ट होके। तो ये एक आपको मैं आइडिया भी दे सकता हूँ कि भाई वेयर हाउस का रास्ता डाल दो, जैसे ही बॉम्ब आपका डिसआर्म होगा तो आपको गाड़ी को वेयर हाउस में ही डिलीवर करना पड़ेगा। तो क्या इतना मोटरवे पर अपना टाइम वेस्ट करोगे? तो इससे अच्छा व्हीकल वेयर हाउस की तरफ ही अपनी गाड़ी भगाओ, तो जैसे ही डिसआर्म हो गया तो सीधा डिलीवरी कर दो, ठोक डालो डिलीवरी व्हीकल वेयर हाउस में, और टाइम भी इससे बचेगा आपका, और उसी पोर्ट से आप अपनी दूसरी व्हीकल भी सोर्स कर सकोगे या बेच सकोगे, ठीक है ना। फिर 0.7 माइल रह गया और 19 सेकंड रह चुके हैं, हम तो भाई भगा रहे हैं गाड़ी को, इतना नुकसान नहीं हुआ वैसे। अच्छी गाड़ी है FMJ, पर बड़ी महंगी गाड़ी है यार, इससे अच्छा तो कोई बंदा X Proto ले ले। तो आप मुझे बताओ आप
की रिक्वेस्ट आ रही है मर्डर नोवा की, भाई मैं मर्डर नोवा नहीं ले सकता क्योंकि उसके लिए आई थिंक मॉड चाहिए होता है, तो मॉड मैं कुछ इंस्टॉल नहीं करता, तो इसीलिए मैं सॉरी गाइस मैं मर्डर नोवा गाड़ी नहीं ले सकता। तो कोई और गाड़ी सजेस्ट करो कि मैं बाय करके मॉडिफाई करूँ, ठीक है ना। तो हम व्हीकल वेयर हाउस में पहुँच चुके हैं, FMJ हो गई है डिलीवर्ड और चलते हैं एक और व्हीकल सेल करने के लिए। तो पहले वेयर हाउस में देख लेते हैं कौन सा क्या माल क्या पड़ा है, स्टॉक क्या पड़ा है। गाड़ियाँ तो बहुत सारी पड़ी हैं FMJ वगैरह, आई थिंक मोस्टली स्टैंडर्ड रेंज की गाड़ी हैं, ये टॉप रेंज की गाड़ी लगती है मुझे। तो चलो व्हीकल एक्सपोर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, लैपटॉप बड़ी डेंजरस चीज़ है भैया, लैपटॉप बहुत डेंजरस चीज़ है, इसी से ही व्हीकल सब कुछ होता है। कौन सी गाड़ी एक्सपोर्ट करें भाई, टॉप रेंज की गाड़ी अभी अभी हमने FMJ ली थी, तो एक काम करता हूँ इसी को ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ, थोड़ा माल वगैरह आ जाएगा, पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा। तो इसे प्लेट वगैरह चेंज कर लेते हैं, रीस्प्रे प्राइमरी कलर क्रोम, क्रोम ऑब्वियसली मेरा फेवरेट कलर है। बॉडी वर्क बम्पर्स लगा दिए, हॉर्न तो मैटर नहीं करते इतने। नियॉन किट्स बहुत ही ज़रूरी है भाई, नियॉन किट्स के बगैर कोई गाड़ी नहीं होती। तो ब्लू लगा देता हूँ, ब्लू नियॉन, एक रेड ठीक रहेगा, रेड कलर नियॉन किट, रूफ ये वाली, ये ठीक है भाई, इंजन तो दिखेगा। स्पॉइलर के बिना स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं लगती। विंडोज़ फुल टिंटेड कन्फर्म। व्हील्स देख लेते हैं भाई, व्हील्स आई थिंक मुझे रेड करने चाहिए क्योंकि उसकी नियॉन लाइट्स भी वैसे ही है। पोर्ट स्टॉक रिम्स लगे हुए हैं इधर, ये वाले रिम्स ठीक हैं। और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, क्योंकि रेड लाइट भी है ना हमारे पास। फिर टायर्स स्मोक, रेड टायर स्मोक। डिज़ाइन भी कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, डिज़ाइन तो गाड़ी हमारी हो गई है रेडी। तो चलिए डिलीवर करते हैं, फिर बड़े बड़े घरों के पास जाना होगा इसको डिलीवर करने के लिए। क्या बात है भाई, गाड़ी चेक करो यार, कसम से क्या खतरनाक गाड़ी है यार, गाड़ी चेक करो आप, वाह क्या बात है। एक्सपोर्ट द व्हीकल, चलो व्हीकल शोइंग बहुत हो गई, व्हीकल एक्सपोर्ट कर लेते हैं भाई। तो ये सामने मेरे गाड़ी आ गई, स्टार्टिंग में ही ठोकोगे क्या। इसकी वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हो कुछ भी डाउन नहीं हुई है अभी तक। क्या गाड़ी थी यार, रोल्स रॉयस पीछे, रोल्स रॉयस अच्छी गाड़ी है, आई थिंक मुझे नेक्स्ट वीडियो में वो ही लेनी चाहिए इंस्टेड रोल्स रॉयस। आप ये बताओ रोल्स रॉयस लेके मैं फुली कन्फिगर मॉडिफाइड कर दूँ उसे, ये मुझे बताओ फिर, ठीक है ना, कॉमेंट डाउन बिलो। तो चलो आराम से गाड़ी चला लेते हैं भाई, ये कुछ नहीं होता कि टाइम लग जाए, पर गाड़ी ठीक से डिलीवर्ड हो जाए, वैल्यू उसकी डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, गलत रास्ते से आ गए हम, रास्ता इधर से जाना था। हे अच्छा माइक, ये मोटरवे से मुझे क्यों लेके जा रहा है, आई थिंक ये न्यू लोकेशन पर लेके जा रहा है मुझे कोई, जहाँ पर मैं शायद पहले कभी ना गया हूँ। कि मोस्टली स्पेशलिस्ट कार जो उनसी होती हैं वो बड़े बड़े घरों में जो होते हैं उधर से ही पिकअप करते हैं लोग। एक मिनट, ये वाइनवुड की तरफ जा रहा है, तो मतलब बड़े घर फिर से आएंगे भाई। चलो देखते हैं, वाइनवुड तो यहाँ पे आ चुका है, वाइनवुड वो 0.5 माइल रहता है, तो देखते हैं कि कौन सा घर आता है, कौन सा बंदा आता है गाड़ी लेने के लिए। डिलीवर द FMJ टू द बायर, बायर पता नहीं कहाँ पे, पहाड़ियों में नीचे नीचे छोटी छोटी हिल्स के पीछे छुपा हुआ है। इधर से राइट होना था, अच्छा तो अबे आखिर में ठोकेगा क्या। ये पता नहीं कौन सा घर है या क्या है, ये मुझे पता नहीं। अच्छा जी, क्या घर बनाया है यार इसे, इसने क्या बात है, ये घर अगर सेल पे हो तो मैं ले लूँ। तो चलो इसी बात पर हमने कर दी डिलीवर्ड गाड़ी अपनी FMJ, फुल पेमेंट आई, कोई नुकसान नहीं हुआ। और इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।